ओम शांति। आत्मा बनकर बैठे अपने मस्तक सिंहासन पर, संगम युग पर बाबा हमें सर्व खजाने देने आया है। हम सभी इस बात को बहुत अच्छी तरह महसूस करें कि हम बाबा से सब कुछ प्राप्त कर लें, वो हमें दाता बनाने आया है, देने आया है, हीरो एक्टर बनाने आया है, चारों युगों के लिए श्रेष्ठ वरदान देने के लिए आया है। हम बाबा से सब कुछ प्राप्त कर लें। बाबा ने बहुत सहज ये बात स्पष्ट कर दी कि निरंतर मुझे याद करो। जो निरंतर मुझे याद करते हैं वो निरंतर मेरे साथ हैं। ये साथ, भगवान का साथ कितनी बड़ी चीज है। ब्रह्मा बाबा का साथ, जो पहले नंबर की आत्मा है, जो महान त्यागी और महान योगी हैं, जिनका सृष्टि चक्र में सबसे ज्यादा महत्व है, उनके साथ हीरो पार्ट बजाना, हर जन्म में उनके साथ रहना, इस बात का कितना ज्यादा महत्व है। तो हम निरंतर योगी बने, सहज योगी बने। जो इस समय सहज योगी बन जाएंगे, वही 84 जन्म सहज रूप से जीवन व्यतीत करेंगे और यहाँ उन्हें अनुभव होगा कि वो हमेशा बाबा के साथ हैं, उसकी छत्र छाया हमारे सिर पर है। तो आइए हम सहज योगी बने। इसमें ही परम आनंद है, इसमें हमारी आंतरिक शक्तियां बहुत बढ़ जाती हैं, हम देने योग्य बन जाते हैं। सहज योगी, निरंतर योगी बनने के लिए हमें कुछ चीजें याद रखनी हैं, जैसे बाबा मेरा है उससे बहुत ज्यादा अपनापन। आप इसको इस तरह महसूस करें जैसे संसार में कोई आपका अति प्रियतम है, बहुत प्रिय है, चाहे कोई बच्चा है, आपका पति पत्नी, माँ बाप, जिससे आपका बहुत प्यार है, आप जानते हैं उससे कैसा अपनापन होता है, वैसा ही अपनापन बाबा में हो जाए। बस वो लगे मेरा है, ये फीलिंग प्यार को बढ़ाएगी और हमें सहज योगी बनाएगी। दूसरी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हम करते रहें, ये भी बहुत सिंपल प्रैक्टिस है, इसमें किसी को मेहनत भी नहीं लगेगी, भगवान मेरा साथी है। गीत गाते रहें सारा दिन चाहे तो, भगवान हमारा साथी है, उसके साथ का निरंतर अनुभव होता रहेगा, ये भी योग में काउंट हो जाएगा। और बहुत पावरफुल योग करने के लिए ये अभ्यास करते रहें कि बाबा मेरे सिर के ऊपर छत्र छाया है। बस, तो चाहे खुदा दोस्त उसको बना लें, अपना परम प्रियतम बना लें, अपना साथी बना लें, लेकिन ये चीजें याद रखनी पड़ेंगी। होता क्या है कि मनुष्य जब अपने काम धंधे में बहुत व्यस्त हो जाता है, जब वो ये सोचता है बहुत बिजी हूँ, अथवा वो कर्म कॉन्शियस हो जाता है, कार्य के अलावा उसे कुछ भी याद नहीं आता, तब ये सब चीजें भूल जाती है। लेकिन भूले नहीं, बीच बीच में ऐश्वर्यपन और स्वमान का अभ्यास बढ़ाते चलें, तो ऐसी कोई बात नहीं कि हम निरंतर योगी नहीं बन जाएंगे। योग हमारे आनंद का विषय हो जाएगा, योग हमारे लिए सुखदायी विषय हो जाएगा। हम श्रेष्ठ योगी बनकर इस संसार में ऐसे विचरण करेंगे मानो लाइट हाउस होकर विचरण कर रहे हैं। प्रकृति भी हमारा सम्मान करेगी, स्वयं भगवान तो अपने ऐसे बच्चों का सम्मान करते ही हैं। तो आज सारा दिन ऐश्वर्यी होने का अभ्यास करेंगे और ये बात याद रखेंगे, भगवान हमारा साथी है। अपनापन तो सवेरे रोज चिंतन के द्वारा बढ़ाएंगे, लेकिन आज का मुख्य अभ्यास होगा सर्वशक्तिवान मेरे सिर के ऊपर छत्र छाया है।
देखें नीचे मैं शिव शक्ति, सिर के ऊपर सर्व शक्तिवान। इसका सारा दिन बहुत ज्यादा आनंद लेंगे और निरंतर योग की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि निरंतर योगी ही बाप के निरंतर साथी हैं। ओम शांति।